नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों आप जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो पार्ट से मिलकर बनी होती हैं, एक तो एनोड इस लेफ्ट राइट साइड का सॉरी लेफ्ट साइड का और कैथोड किधर राइट में, और ये जुड़ी रहती है एक सॉल्ट ब्रिज से। दोनों सॉल्यूशन आपस में जुड़े रहते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड्स जुड़े रहते हैं किससे, एक वायर से जो बीच में एक तरह के वोल्टमीटर या एक स्विच से जुड़ा रहता है। दोस्तों यहाँ पर एक कन्वेक्शन है आईयूपीएसी का। जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल इतनी बड़ी सी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हमें रिप्रेजेंट करना होता है एक लाइन में, तो हम ऐसे लिखते हैं। पहले तो हम एनोड हाफ लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं कैथोड। तो एनोड में आप देखिए यहाँ पर एक क्या है, ये जिंक इलेक्ट्रोड है, तो पहले जिंक लिख देंगे ZN, ये सॉलिड है। फिर एक ये एक बाउंड्री है ये जो इसका सॉलिड और लिक्विड के बीच में, तो एक है इससे लाइन से इसको सेपरेट कर देंगे। फिर ZN जिंक सल्फेट जो कि एक्वस है, तो हम ब्रैकेट में एक्वस लिख देंगे। फिर ये दो वर्टिकल लाइन्स हम खींचेंगे, पैरेलल लाइन्स। इसका मतलब ये होता है ये सॉल्ट ब्रिज है, ये वाली जो यहाँ पर बनी हुई है ये सॉल्ट ब्रिज है। फिर कैथोड हाफ लिखेंगे, कॉपर सल्फेट आप जानते हैं ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और उसके कांटेक्ट में क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड। तो कॉपर इलेक्ट्रोड ये क्या है, सॉलिड है, ये एक्वस है, इसमें एक्वस लिखा होना चाहिए। इसको हम आयनिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ZN सॉलिड, फिर ये वन वर्टिकल लाइन ZN2 पॉजिटिव एक्वस, ये सॉल्ट ब्रिज हो गई, CU2 पॉजिटिव एक्वस, फिर CuS। तो इस तरह को से हम किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जनरली हम इसे डिनोट करते हैं या इसे लिखते हैं। मतलब यहाँ पर आपको दिखाया गया है पहले एनोड हाफ को लिखते हैं फिर कैथोड हाफ को। एनोड हाफ और कैथोड हाफ आर सेपरेटेड बाय टू वर्टिकल लाइंस, दैट इज डिनोशन फॉर द सॉल्ट ब्रिज। ओके, सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। Now I will discuss what is electrode potential. Basically, electrode potential is the difference between the potential of two phases. You can see in this case, if you see the solid zinc and zinc sulfate, so there is a difference in the potential of this aqueous phase and solid phase. So this difference is known as electrode potential. Electrode potential is of two types. First one is reduction electrode potential and oxidation electrode potential. Reduction electrode potential is basically tendency to gain electrons. Jitna quickly koi bhi electrode जो उसमें है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा उतना ही ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी भी पर्टिकुलर मेटल के लिए क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं बट उनका साइन क्या होता है, ऑपोजिट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में आप देखिए ये एक आयनिक स्पीशीज A2 पॉजिटिव है, दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही, क्या बना रही, A। तो इस केस में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा, तो इस केस का क्या लिखा जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। जितनी ही क्विक ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी ये वाली स्पीशीज उतना ही ज़्यादा इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा। जबकि इसके केस में क्या है, यहाँ पर ए क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा, तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कि टू टाइप्स का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। दोस्तों स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बेसिकली किसी भी सेल का
रिडक्शन पोटेंशियल होता है जो स्टैंडर्ड कंडीशन में ऑब्जर्व होता है। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं? स्टैंडर्ड कंडीशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? 1 mole per liter। पार्शियल प्रेशर 1 atm होना चाहिए अगर वो गैसियस फेज में है तो। टेम्परेचर 298 kelvin होना चाहिए। इस केस में जो पोटेंशियल होगा उसे कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू आर रियली लाइकिंग माई वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। माई चैनल इज़ केमिस्ट्री विला। दोस्तों मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट सूचना दे दूँ, मैं जल्द ही कुछ सफिशेंट सब्सक्राइबर होने के बाद मैं लाइव वीडियो चैट स्टार्ट करने जा रहा हूँ हमारे चैनल पे, जिस पे आप डायरेक्ट हमसे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इस चैनल पे ना सिर्फ हम 11th और 12th के वीडियोस अपलोड करेंगे बल्कि नेट JRF के लिए भी, और हम 9th और 10th के भी केमिस्ट्री के वीडियोस अपलोड करेंगे समय समय पर। तो आप हमारे चैनल को देखते रहें और इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर वॉचिंग। थैंक यू।